हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग गाइस। ये वीडियो है सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए अंडर द ओल्ड सिलेबस। और मैं आपके साथ स्पेशल डिस्कशन करने आया हूं ग्रुप वन के स्टूडेंट के साथ पेपर नंबर फोर के लिए, यानी कि टेक्स्ट के पेपर के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9958034186 के ऊपर। गाइस, दीपक गजरानी सर ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारा जो टेक्स का बैच है वो 20 जून से स्टार्ट होने वाला है। और मैं बताऊं, इसका वंडरफुल रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल करवा चुके हैं। तो मेरे मन में आया यार कि मैं एक वीडियो और बनाऊं और स्टूडेंट को बताऊं कि इस टेक्स के फीचर क्या क्या है, आखिरकार हम इस पेपर के अंदर आपको क्या क्या करवाने वाले हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं और क्या टेस्ट होंगे, क्या रिवीजन भी पेपर के साथ, मतलब क्या रिवीजन भी होगी सब्जेक्ट के साथ साथ, मतलब क्लास के साथ साथ। ये सारी डिस्कशन करने के लिए आपके साथ आया, स्पेशल डिस्कशन है, बहुत ध्यान से सुनना। चलिए सर स्टार्ट करते हैं फीचर, हमारी क्लासेस के फीचर क्या है। फीचर नंबर वन, ये क्लास ना लाइव एट द रेट ऑफ होम होगा, मतलब मैं बोलता हूँ बेस्ट ऑप्शन है आज के दिन, लाइव एट द रेट ऑफ होम बेस्ट ऑप्शन है भाई, बिल्कुल फेस टू फेस वाली फीलिंग आ जाती है। हाँ, साथ में गूगल ड्राइव बैकअप मिलेगा 100%, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लाइव एट द रेट ऑफ होम वाला टाइमिंग सूट नहीं करता तो आप गूगल ड्राइव बैकअप भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बड़े सारे स्टूडेंट गूगल ड्राइव बैकअप ही लेते हैं और बड़े सारे स्टूडेंट लाइव एट द रेट ऑफ होम भी लेते हैं। हाँ, जो लोग लाइव एट द रेट ऑफ होम लेंगे उनको गूगल ड्राइव बैकअप तो साथ में मिलेगा ही मिलेगा। प्रिपरेशन एज पर ओल्ड सिलेबस पैटर्न, मैं बताऊं ये जो बैच है ना ये न्यू सिलेबस का नहीं है, न्यू सिलेबस के लिए बिल्कुल अलग बैच बनेगा, ये ओनली फॉर ओल्ड सिलेबस के लिए है। तो ओल्ड सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से ही प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ऑल क्लासेस विल बी अपडेटेड फॉर दिसंबर 23 एग्जाम, तो जितने भी क्लासेस हैं सारी दिसंबर 23 एग्जाम के लिए अपडेटेड है, मतलब लेटेस्ट है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ जो गूगल ड्राइव वाले होते हैं ना उनको थोड़ी टेंशन होती है, लाइव एट दैट होम वाले देखेंगे कि क्लास लाइव चल रही है और क्लास के बाद यही क्लास गूगल ड्राइव बैकअप वालों को मिलनी है, तो टेंशन मतलब क्लास बिल्कुल लेटेस्ट मिलने वाली है आपको। भाई मेरा असूल है मैं पुरानी क्लासेस देता ही नहीं, राइट। व्हाट वी विल कवर, हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। मेरी बुक मिलेगी आपको, जो मेरी अपनी बुक होगी वो हम कवर करेंगे कंप्लीट। इसके साथ साथ आपको सीएस इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो हम पूरा कंप्लीट कवर करने वाले हैं 100%, कोई टॉपिक नहीं छोड़ने वाले, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले। इसके अलावा ऑल थ्योरी कंसेप्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अदर देन एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं। इसके अलावा मोर देन 2000 एमसीक्यू मैं खुद करवाने वाला हूँ आपको। हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक क्लास स्पेशली उसकी रिविजन हुआ करेगी, उसके बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया करेंगे। चलिए अब बात करते हैं टेस्ट की। भाई टेस्ट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमने आपको कैसा पढ़ाया ये एक अलग मैटर है, आपको कितना आया ये एक अलग मैटर है ना। ये जो बीच का सिस्टम होता है ना ये टेस्ट डिसाइड करता है कि हमारी जो तरफ से कंसेप्ट डिलीवर किए गए हैं क्या वो प्रॉपर तरीके से डिलीवर हुए भी हैं, तो ये जो है ना टेस्ट पता करता है। और मैं कहता हूँ टेस्ट ना सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब जज करने का कि स्टूडेंट को कितना आ गया, और कोई तरीका भी नहीं है। तो भाई टेस्ट का हमारा पैटर्न क्या है वो सुन लो, मैं कहता हूँ हमसे ज्यादा टेस्ट कोई ले ही नहीं सकता, इस बात की मेरी गारंटी है। डेली टेस्ट होगा सर, डेली टेस्ट। मान लीजिए मैंने एक क्लास ली और वो क्लास मान लीजिए 2 आवर की है, उस 2 आवर में मैंने जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको टेस्ट में मिलेंगे सर, वो सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेंगे और वो आपने टेस्ट करना है। और अगले दिन जब क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, सेकंड क्लास, तो मैं उसमें उस सारे क्वेश्चन को पहले डिस्कशन करूंगा, कंप्लीट करूंगा, एंड देन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा, और होमवर्क भी मिलेगा आपको, ठीक है। और डेली टेस्ट होगा, जब चैप्टर खत्म होगा तो एक जो टेस्ट होगा वो चैप्टर वाइज होगा, डेली टेस्ट के बाद एक और टेस्ट चैप्टर वाइज, और जब पूरा सिलेबस खत्म होगा तो आपको 5 फुल फ्लेज मतलब टेस्ट दिए जाएंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से कि आप जो पेपर आएगा ना वो कर पाओ, 5 फुल फ्लेज टेस्ट होने वाले हैं, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की बात अब करने जा रहा हूं, पॉइंट नंबर 6 पे, हालांकि इसे तो पहले नंबर पे करना चाहिए था पर कोई बात नहीं, अब सुन लो। क्वेरी सपोर्ट सिस्टम सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर, क्वेरी कैसे हैंडल होगी, मैं बताऊं सर। देखो दो सिस्टम है, एक लाइव बैच जो बच्चा ज्वाइन करेगा, ऐप लाइव जो ज्वाइन करेगा भाई उसको टेंशन नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास, क्लास चल रही है आप क्लास के अंदर ही क्वेश्चन पूछ लो, मैं आपका जवाब क्लास के अंदर ही दे दूंगा। नंबर टू, उसके बावजूद आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, आप उस टाइम पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप कभी छोड़ दो, क्वेरी विल बी सॉल्व विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर क्वेरी सॉल्व हो जाती है। बड़े सारे डाउट आते हैं यार तो मैं बच्चों के टाइम लगता है, तो 24 आवर में आपको आंसर मिल जाएगा। जो रिकॉर्डेड बैच स्टूडेंट है, अब वो लाइव ऐप में तो नहीं होंगे तभी वो रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट है, तो उनके लिए मेरा वो कर सकते हैं थ्रू, एक मिनट भाई, वो कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और कॉल।
क्वेरी विल बी सोल्व विद इन 24 आवर। इसके बावजूद अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर ऐसे सामने बैठ के समझाओ लाइव, तो भाई जूम सेशन होंगे। मैं बताऊं, एवरी वीक हम जूम सेशन रखेंगे और उन जूम सेशन में ना फेस टू फेस डिस्कशन होगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन करेंगे, राइट? तो गाइस मैं बोलता हूं क्वेरी सपोर्ट सिस्टम हमारा बेस्ट है। लाइव टाइम पे भी पूछ सकते हो, जूम सेशन पे भी मिले करेंगे और रिकॉर्डेड बैच में भी आप लोग मेरे क्वेश्चन पूछ मुझसे मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट? बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 20 जून 2023, ऑलरेडी बता दिया गया है। तो गाइस अगर आपको ये बैच चाहिए, अगर आपको वीडियो परचेज करनी है, तो आप जो दीपक गजरानी क्लासेस के नंबर है उन पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो और आप इस नंबर पर डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो फॉर परचेज, 9958034186। तो देरी किस बात की, उठाओ फोन और कर लो बुकिंग अपनी क्लास की। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।